नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीधी भर्ती जहां पर बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, 3948 पदों पर सहमति वित्त विभाग के द्वारा सहमति मिल गई है और यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन निकला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 17/8/2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ कहता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रधान को शिथिल करने बाबत, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा रिक्त पदों को भरे जाने के अनुमति प्रदान करता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी है आपका पद का नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर वेतन मैट्रिक लेबल आपका दिखाई दे रहा है और यहाँ से रिक्त पदों की संख्या आपको दिखाई दे रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में 143 पद निकल के सामने आ रहे हैं और नेत्र सहायक के लिए 234 पद और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 141 पद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर के लिए 48 पद है और स्टाफ नर्सर के लिए 464 पद है और ओटी टेक्नीशियन के लिए 18 और फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 के लिए 187 और मनोरोग परिचारिका के लिए 24 पद है और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 5 पद है। और यहाँ पर वेतन मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर फार्मेसिस्ट ग्रेड के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में रखा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोग योजक पुरुष के लिए 379 पद है जो कि बहुत अच्छा पद है और महिलाओं के लिए 210 पद है और डेसर ग्रेड 1 के लिए 496 पद है और डार्क रूम असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 14 पद है। लेब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 16 पद है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए 4 पद है और यहाँ पर बात करें डेसर ग्रेड 2 के लिए 68 पद है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जहाँ पर आपका आया हो सकता है या वृत्ति हो सकते हैं उसके लिए 1497 पद निकल करके सामने आया हुआ है। इस प्रकार से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर 3948 पदों पर भर्ती बहुत ही शीघ्र होने वाला है। उपरोक्त पदों को भरे जाने हेतु वित्त विभाग के जावक क्रमांक यहाँ पर लिखा गया है, उसके दिनांक के तहत 17/8/2021 को सहमति प्रदान किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग के लिए जो अभी भी बेरोजगार हैं, वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और यहाँ से आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं। इसकी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने की संभावना है। नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगी मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे ही और नए नए वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, ऐसी और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।